बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्सेलस के प्रमोद गुब्बी साहब। ध्यान रखें, दिसंबर महीना है, 2023 का साल शुरू होने वाला है और आइए प्रमोद जी से जानते हैं कि उनके हिसाब से 2023 खेलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। प्रमोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी। आप जानते ही हैं, हम लोग एक साल का व्यू बहुत मुश्किल से हाँ जी, देखते हैं मार्केट में। सो 2023 का छोड़ देता हूं मैं ज्यादा एटलीस्ट 3 ईयर पर्सपेक्टिव दे सकता हूं। जी जरूर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अभी इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से वी आर एट द अर्ली स्टेजेस। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मार्केट में। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो देखते हैं हम लोग, वेदर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जी लॉन्ग टाइम बैंकिंग सिस्टम का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द हाईएस्ट इन हिस्ट्री दैट वी सीन। सेकेंडली, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो बैलेंस शीट है इट्स क्वाइट हेल्दी। दे आर इन अ पोजिशन टू इन्वेस्ट, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सकते हैं। थर्डली, कंज्यूमर लेवरेज भी काफ़ी कम है। अनलेस एंड अनटिल ग्लोबल सिचुएशन रिमेन्स बिनाइन, आई थिंक इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से अगला 3 साल काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें। सो एज अ रिजल्ट, इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल्स नेचुरली, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ होगा तो बैंक्स एंड NBFCs विल बेनिफिट, बट ऑल्सो डोमेस्टिक कंजम्पशन विल इंक्रीज एज कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा। तो जॉब क्रिएशन विल हैपन। हाँ जॉब जी, क्रिएशन के साथ डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ेंगे, डिस्पोजेबल इनकम्स के साथ कंजम्पशन बोथ स्टेपल्स एंड डिस्क्रिशनरी पे भी काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड थर्डली, देर आर नीश सेक्टर्स जो हमने देखा था चाइना प्लस वन थीम के हिसाब से, स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। हाँ जी, तो ये 3 थीम फ्रॉम अ 3 ईयर परस्पेक्टिव आई थिंक हैज सम लेग्स टू गो। ओके। सो प्रमोद जी, हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि 2023 शुरू हो रहा है तो आप पोजीशन करें पोर्टफोलियोस को। गेन शायद 1 साल में आए, 12 महीने में आए, 24 महीने में आए, 26 36 महीने में आए, वो तो कौन कह सकता है। तो मैं वही सोचने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास नया पैसा जो आ रहा है आपके क्लाइंट्स का, आप अगर फ्रेश पर्सपेक्टिव से निवेश करना चाहे तो आप कहाँ पे करेंगे, वो मेरा क्वेश्चन होने वाला था। तो मैं इस पे आपसे एक दो चीजों पे सवाल करना चाहूंगा। आपने फाइनेंशियल्स बोला, हमें पता है कि बैंक्स का तो काफी तेज ग्रोथ हुआ है और अप्रिसिएशन भी हुआ है, लेकिन जिसे नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स कहते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हुए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हुए, शायद ब्रोकिंग कंपनीज भी हुए, फाइनेंशियल्स तो नहीं हुए, बट उनमें भी काफी तेजी दिख रही। लास्ट 6 महीने 12 महीने में वो भी ठंडे हुए हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे HDFC AMC हुआ, UTI AMC हुआ, उन्होंने काफी कुछ किया नहीं है। और मैं देख रहा था, अगर HDFC लाइफ का भाव देखूं या SBI लाइफ का भाव देखूं, सेल साइड काफी बुलिश है, लेकिन स्टॉक्स 2 3 साल से कहीं हिले नहीं है। तो ये मतलब इनमें निवेश करके फायदा नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, आगे चल के फायदा हो सकता है और क्यों होगा? सो ये नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स ये एक लॉन्ग टर्म थीम है, राइट? तो इनका शॉर्ट टर्म यू वोंट बी एबल टू सी द बेनिफिट्स कम थ्रू। लॉन्ग टर्म थीम क्यों है? पहली बार इंडिया इंडियन हाउसहोल्ड्स में हमें फाइनेंशियलाइजेशन का थीम दिख रहा है। पहले इंडिया में ज़्यादातर हाउसहोल्ड रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। अभी पिछले आई वुड से 10 साल में थोड़ा बहुत शिफ्ट होने लगा है। यू सीन म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी निवेश हुआ है। इवन इफ यू लुक एट डीमैट अकाउंट्स ग्रोथ इज द फास्टेस्ट इंडिया हैज सीन। हाँ 100 मिलियन जी, से ऊपर डीमैट अकाउंट्स इंडिया में खुले हैं। और हमारे जैसे PMS में भी काफ़ी निवेश हुआ है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। RBI का डेटा कहता है कि ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा इंडियन हाउसहोल्ड्स का वेल्थ रियल एस्टेट और गोल्ड में है। ये जी हमारे स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है टुवर्ड्स रियल एस्टेट एंड गोल्ड। दिस चेंज हैज़ टू हैपन,
और ये चेंज बरकरार रहेगा अगले एक दो साल नहीं, मेरे हिसाब से 10 20 30 साल तक बरकरार रहेगा. एंड देयर फॉर ये जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स है आर अ रियली लॉन्ग टर्म प्ले. मोर इंडियंस विल पुट मनी इन म्यूचुअल फंड्स, पीएमएसएस, ब्रोकरेजेस, इंश्योरेंस एंड सो ऑन. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी कम है. वैसे LIC रहा है पिछले 70 साल हाँ से, जी बट असली इंश्योरेंस जो बोलते हैं, जो टर्म इंश्योरेंस, जो रिस्क ऑफ कवरिंग द लॉस ऑफ इनकम कैपेबिलिटीज ऑफ द ब्रेड विनर, वो अभी भी बहुत बहुत लो है इंडिया में. और एज अवेयरनेस इंक्रीजेस, जी इंडियंस मोर टर्म इंश्योरेंस लेंगे. सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही लो है, एक्सेप्ट फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर. इंडिविजुअल्स आर वेरी लो ऑन लो इंश्योरेंस. सो देयर फॉर यू हैव टू कंसिडर दिस एज अ लॉन्गर टर्म थीम. पिछले 3 साल में क्या है, और भी थीम आ गए, जी बैंक्स एंड NBFCs, ये ज्यादा सिक्लिकल होते हैं. देयरफॉर यू हैव जी टू कैच दिस एट द राइट टाइम. तो काफी लोग बैंक्स और NBFCs में निवेश किए हैं. एज अ रिजल्ट दिस पार्ट ऑफ द सेक्टर, दिस पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर जो नॉन लेंडिंग है, वो रह गया है. ऑल द मोर रीजन चलो बिकॉज द लॉन्ग टर्म स्टोरी इज इंटैक्ट एंड चलो वैल्यूएशन बिकम अट्रैक्टिव. मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड टाइम, स्पेशली विद अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. ओके प्रमोद जी, 30 सेकंड का आंसर और हम आपको बाद में जाने देंगे। आपने डिफेंस कंपनीज में निवेश करने का सोचा है? ये मैक्रो थीम अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि गिवन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बाहर का, काफ़ी कुछ होने वाला है इधर. इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट विल कम विथ लोकल प्रोडक्शन, हाँ तो जी अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं. अभी तक हमने ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी देखा नहीं जो हमारा फिलोसफी को सूट करे. रिमेम्बर आर फिलोसफी इज अबाउट लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हाई रिटर्न ऑन कैपिटल. हाँ जी शायद आगे देखने को मिले, बट मैक्रो अपॉर्चुनिटी बरकरार है. प्रमोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और 2023 साल के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू. एंड दर्शक, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।